बाद वजी दाखिला राना सनाल्ला ने दिदवा किया है कि पीटीए के जनरल सेक्रेटरी के घर से गोला बारूद निकला है। साबित हो गया इमरान नियाजी सियासत नहीं दाश्त गलती पर उतर आए हैं। एक्सपीरियंस न्यूज के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाल्ला का कहना था कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी का घर बारूद खाना निकला। पीटीआई हदीदारों के घरों से भारी असलहा व गोला बारूद बरामद होना खून मार्च के सबूत है। सियासत के लबादे में दाश्तगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सबूत है कि इमरान नियाजी सियासत नहीं कर रहा, दाश्तगर्दी पर उतर आया है। राना सनाल्ला का कहना था कि लाहौर में भी डीएम पुलिस जवान कमाल अहमद के सिरे में लगी गोली कहां से आई, बम ने देख लिया है। लाहौर में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के घर से असलहा और बारूद निकला और पंजाब पुलिस के जवान की शहादत के बाद इमरान नियाजी पर एतबार नहीं कर सकते, साबित हो गया है कि इन प्रोग्राम सियासी कार्रवाई नहीं बल्कि मुस्लिम खुशी है। वजीर दाखिला ने कहा कि पौने चार साल बम को वादों के ट्रक की गति के पीछे लगाने वाले अब बच्चों की आवाजें लगा रहे हैं। इमरान नियाजी से कहता हूँ कि हम इंकलाब मंसूख करते आइन कानून और अमन का रास्ता अपनाएं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी वसाइल और सरकारी मशीनरी को अपने फसाद के लिए इस्तेमाल न करें। वाइश की बुनियादों में बालू करने वालों को मुआशे का अमन तबाह नहीं करने देंगे। आइन और कानून पर सख्ती से अमल होगा। कानून सिर्फ इसे पकड़ेगा जो कानून हाथ में लेगा। आवाम की जान माल का तहफ हर कीमत पर